साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए प्रॉब्लम पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो स्पिन का प्रॉब्लम है, इसमें स्पिन का ही प्रॉब्लम है। बाकी हमारा गेयर बॉक्स जो है वो फ्री है। इसमें जो हमारा ड्रम है वो नहीं घूम रहा है, खाली घूं घूं की आवाज़ आ रही है। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आवाज़ कुछ किस तरीके से आ रही है, यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद आपको कन्फर्म हो जाएगा कि मशीन में किस तरीके की आवाज़ आने पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने चालू कर दिया मशीन को, 6 मिनट का बता रहा है। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, अभी मशीन हमारा जो है घूम नहीं रहा है। लेकिन अब इसके बैक साइड चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये वर्लपूल का मशीन है, स्टेनवॉइस अल्ट्रा में आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा ड्रेन मोटर है वो अभी खींच रहा है, तो इसके खींचने के बाद ही हमको पता लगेगा। यहाँ पर देखिए, अब आवाज़ हमारा जो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख ही रहे हैं हमारा किस तरीके से मशीन में आवाज़ आ रहा है और घूं घूं की आवाज़ आ रहा है, लेकिन हमारा जो है मशीन वो पूरा रोटेट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी रोटेट नहीं कर रहा है। तो हम इस मशीन में क्या करें, सबसे पहले मैं बता दूं इसमें कई सारे फॉल्ट आ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा, वो आपको पूरा कम्प्लीट वीडियो देखना है। अगर जो आपको मशीन सही करना है अपने हाथों से, तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास ये कैपेसिटर है जो कि 10 वेव का है, और इंडक्टर कॉइल का है जो कि ओरिजिनल वर्लपूल का है। तो हमको कोई भी सामान इसमें ओरिजिनल ही डालना है, नहीं तो हमारे मशीन में काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है हमारी वजह से। तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ज़रा सा भी मिस करते हैं तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। पहले हम ये वायर को निकाल लेते हैं, यहाँ से जो है इसको निकाल लेते हैं। यहाँ से निकालने के बाद अब जो है हमारा यहाँ पर हम कैपेसिटर को लगा देते हैं। कैपेसिटर लगाने के बाद अब जो है हमारा यूएफ का, यहाँ पे देखिए हमने 10 यूएफ का लगाया है, इंडक्टर कॉइल ही लगाया है, और यहाँ पे हमारा ड्रेन मोटर जो है वो खींचने का अभी स्टार्ट होगा। अंदर भी इसके 10 यूएफ का ही लगा है। तो यहाँ पे आपको खास चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को थोड़ा भी मिस करेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो अभी हमने कैपेसिटर को डाल दिया है, लेकिन हमारा फिर भी मोटर नहीं चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को देख रहे हैं, गो गो की आवाज़ तो वैसे ही आ रही है, लेकिन हमारा मोटर नहीं चल रहा है। यहाँ पे हमने गियर बॉक्स को भी फ्री करके देख लिया, गियर बॉक्स भी हमारा पूरा फ्री है। तो अब इसमें हमको क्या करना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। अगर जो आपका कैपेसिटर बदलने से नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको बता दो कि मैंने ओरिजिनली कैपेसिटर लगाया जो कि आप लोग देख रहे हैं 10 वोल्ट का इधर है और इंडक्टर कॉइल है, तो हमने सेम कैपेसिटर को लगाया है, लेकिन फिर भी हमारा मोटर नहीं चल रहा है। इसका रीज़न मेन है क्या, वो आपको बता रहा हूँ। इससे पहले अब हम इसका मेन प्रॉब्लम क्या है उसको समझने वाले हैं। अब हम मशीन को जो है वो मतलब झुकाने वाले हैं, और अब क्या करने वाले हैं आप खास करके ध्यान दीजिएगा, यही आपको मेन चीज़ ध्यान देना है। देखिए, हम इसको भी चेंज कर दिए, यहाँ पर इसका ओरिजिनल लगा हुआ है, फिर भी हमारा जो है वो नहीं हुआ है। तो अब हमको क्या करना होगा कि हमारा जो है पूरा अच्छे से वर्क करे। देखिए, यहाँ पे जो है हमने मतलब इसका मॉडल नंबर जो है ये 31113 है, जो कि ये 6.5 केजी का है, स्टेनवास में आता है, ये स्टेनवास अल्ट्रा में। तो यहाँ पे अब हम इसको क्या करने वाले हैं, आप खास करके ध्यान दीजिएगा। हमने एक वीडियो बनाया था, अगर जो आपका स्पिन नहीं हो रहा है लेकिन स्लो घूम रहा है, तो अगर जो आप उसका वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको उसका वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसका ये मतलब ओरिजिनल कैपेसिटर जो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको हम यहाँ पर जो है लगा देंगे। यहाँ पर लगाने के बाद अब मशीन को जो है हम काने वाले हैं यहाँ पे देखिए, मशीन को हमने झुका दिया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका सॉकेट है, सॉकेट को हमने निकाल दिया। यहाँ पे जो है निकालने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारा इसका जो काम है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, वायरिंग जो है वो निकाल देते हैं। सबसे पहले अब बेल्ट को हम जो है अस्थायी रूप से नीचे उतार लेंगे।
यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा हमारा सेम बेल्ट लगेगा, क्योंकि हमारा बेल्ट जो है वो अभी पूरा अच्छे तरीके से मतलब रेडी है, अभी कहीं पे भी कटा पीटा नहीं है। ये चीज़ आपको खास ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम मोटर को खोल देते हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ से जो है हमारा पानी गया है इसमें। हालांकि मोटर अभी कहीं से जला हुआ तो नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी जो बाइंडिंग है वो अभी प्योर तरीके से नया दिख रही है। फिर भी हम मोटर को चेंज करके देखने वाले हैं। और सबसे पहले आपको बता देता हूँ, अगर जो आप गियर बॉक्स मतलब ये खोले ही हैं मोटर चेक करने के लिए, तो आपको ये चीज़ खास करके ध्यान रखना है। आपको एक उंगली से ऐसे घुमा के ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि ये हमारा फ्री घूम रहा है या नहीं घूम रहा है दोनों साइड। हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर जो आप मतलब दो ये दोनों साइड आपका नहीं घूम रहा है, अगर जाम है ये, तो आपका ये भी 100% ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से आपको गियर बॉक्स भी चेंज करना पड़ सकता है। मोटर को लगाने के लिए देखिए, हमने दूसरा मोटर को उठा लिया है। यहाँ पे देखिए, ये अभी हमने मोटर को निकाला है, और यहाँ पे ये जो है हमने मोटर को लगाना है। यहाँ पे देखिए, इसका सॉकेट जो है वो ऑलरेडी कटा हुआ है। दैट वाई रीज़न कि यहाँ का जो सॉकेट था ऑलरेडी पहले जल चुका था। मैंने ऊपर से पहले बेल्ट चढ़ा दिया, और नीचे से जो है इसको हम चढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों हमारा जो मोटर है वो कंप्लीट तरीके से चढ़ गया है। ये हमारा वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बताते हैं अब नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि आपको देखना है कि सेफ्टी से पूरा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर तरफ आपको केबल टाई से बांध देना है। क्योंकि अगर जो आप केबल टाई से नहीं बांधते तो हमारा ये भी आवाज़ करने का काफ़ी संभावना रहता है। तो ये हमारा पुराना मोटर था जिसको हमने रिप्लेस कर दिया, वो भी पुराने मोटर से ही। तो हमको खाली टेस्टिंग करना है। आपके नॉलेज के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम तो था, लेकिन हमको इसमें नया मोटर डालना है। ये अब हम इसको खड़ा करते हैं। हमारे संदीप भाई हैं, खड़ा कर दिए, बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही लगन से काम करते हैं। तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा पक्का। अब हम इसको जो है टेस्टिंग के लिए लगाते हैं। अब इसका प्लग जो है अब बोर्ड में लगाते हैं। ये बोर्ड में लगा दिया हमने, अब जो है ऑन करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, हमने 6 मिनट का ऑन कर दिया है ऑलरेडी। और यहाँ पे जो हमारा पीछे का ड्रेन मोटर है वो खींचना जो है स्टार्ट हो गया होगा। तो दोस्तों आपको दिखा देता हूँ मैं कन्फर्म कि हमने उसका ही पुराना वाला कैपेसिटर जो है वो यूज किया है, हमने कोई नया मोटर नहीं डाला। और ये हमारा ड्रेन मोटर कंप्लीट तरीके से वर्क कर रहा है, और ये मोटर घूम चुका है। और यहाँ पे देखिए, वाओ, हमारा मोटर जो है वो घूमना स्टार्ट हो गया और कंप्लीट तरीके से फास्ट मूविंग कर रहा है, और हमारा स्पिन जो है वो चालू हो गया है। दोस्तों आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारा स्पिन जो है वो चालू हो चुका है। यहाँ पे देखिए, और ये वेरी स्मूथ तरीके से घूम रहा है। और अगर जो आपको ऐसा नॉलेजफुल वीडियो मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही नॉलेज वाला वीडियो मिलता रहेगा। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, हमने मशीन को बंद कर दिया है और फिर से रोटेट करके दिखा रहे हैं। वाह, सुपर तरीके से नीचे का मूविंग जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। अब जो है मशीन को चालू कर चेक कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी इसमें पानी डाल के रखा है, 34 मिनट में शुरू है, और ये इसका टेस्टिंग करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। और इसमें हमने अपने सारे जो कपड़े होते हैं इधर उधर के पोंछने वाले, मतलब सही जगह के पोंछने वाले, तो हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, काफ़ी तरीके से मूवमेंट है इसका और बेहतरीन तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो हमारा वीडियो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पे देखिए, हमारा पूरा मशीन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अच्छा खासा धुलाई कर रहा है। अगर आपका भी ऐसा हमारे वीडियोस देखकर अगर जो आपका मशीन जो सही हो गया, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपका क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो है पूरा कचरा वाला है, और इसको हम धोकर अच्छे से सुखा देंगे।